जय माता दी दोस्तों अपना दी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पढ़ने वाला सुहागिनों का विशेष व्रत होता है करवा चौथ का व्रत जिसे हर सुहागिन बड़े ही विश्वास और श्रद्धा के साथ करती है ये ये निर्जल व्रत होता है 2020 में करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर यानी कि आगामी बुधवार को पड़ने वाला है यह व्रत हर सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है लेकिन दोस्तों इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं साथ ही पूजा से जुड़ी कुछ जानकारियाँ होती हैं जिनका कि हमें ख्याल रखना चाहिए इस व्रत के लिए पूजन सामग्री क्या चाहिए कौन से मंत्र के साथ पूजा करनी चाहिए पूजा का शुभ समय क्या है चांद किस समय निकलेगा पूजा कैसे करनी है इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें और इन्फॉर्मेशन आगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों करवा चौथ का व्रत का जो पूजा का समय रहेगा वो चार नवम्बर को शाम को पाँच बजकर उनतीस मिनट से शुरू हो जाएगा जो कि लगभग शाम को छः बजकर अड़तालीस मिनट तक रहेगा इस समय में आपने पूजा और कथा सुनने का काम जो है वो कर लेना चाहिए और चाँद निकलने का जो समय है वो लगभग आठ बजकर सत्तावन मिनट के लगभग रहेगा लेकिन दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है कि बादल आ जाते हैं या कहीं अलग अलग जगह थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे जो है फ़र्क आ जाता है लेकिन लगभग नौ बजे के लगभग आपको जो चांद है वो दिखाई दे जाएगा अब जान ले दोस्तों करवा चौथ की पूजन के लिए आपने किन किन चीज़ों की तैयारी जो है वो कर लेनी है इसके लिए आपको लगेगा मिट्टी का टोंटीदार जो लोटा करवा होता है वो लगेगा और ढक्कन सही होना चाहिए इस बात का ख्याल आपने रखना है पानी का लोटा लगेगा गंगा है दीपक है रुई है अगरबत्ती चंदन कुमकुम -कुम, ली अक्षत फूल कच्चा दूध दही देसी घी शहद चीनी हल्दी चावल मिठाई चीनी का बूरा मेहंदी महावर सिंदूर कंगा बिंदी चुनरी चूड़ी बिछिया और गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी और लकड़ी का आसन छलनी आठ पूरी की अठा की अठावरी हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे ये सामान आपने पहले ही एकत्रित करके रख लेना है और दोस्तों करवा चौथ के दिन आपने ख्याल रखना है कि पूरे मन से आपने व्रत करना है इसलिए दोस्तों करवा चौथ के दिन आप सुबह जल्दी उठें और दोस्तों आपने सर्गी जो सूर्योदय के पहले ही खा लेनी चाहिए सर्गी खाने के नियम दोस्तों अलग जगर, अलग जगह अलग अलग होते हैं कहीं कहीं पर सांस के द्वारा भेजे हुए सामान को सर्गी के रूप में खाया जाता है जिसमें मिठाई ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह होते हैं लेकिन अगर आपकी सास आपके पास नहीं रहती तो आप अपने पति के द्वारा मंगवा कर मिठाई या या फिर ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स इत्यादि जो है वो खा सकते हैं लेकिन जहाँ तक वो दोस्तों सब्ज़ी पूरी वैसे भी इतनी सुबह ये सब खाना पॉसिबल भी नहीं रहता लेकिन कुछ हल्का फुल्का आपने खा लेना चाहिए और पानी पी आपने अच्छे से मुँह साफ़ कर लेना चाहिए और दोस्तों ये व्रत निर्जल रहेगा इसलिए आपने सुबह नहाने के बाद में पानी ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना इस बात का ख्याल रखना है नहाने के बाद भी आपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए पूरे दिन आपने बिना अन्य जल ग्रहण किए व्रत करना है शाम के समय चाँद निकलने के समय से पहले ही आपने शाम की जो पूजा है वो आपने कर लेनी है इसके लिए आपने जो मिट्टी की वेदी है उसमें सभी देवी-देवताओं को स्थापित कर लेना है और उसके बाद एक थाली में धूप दीप चंदन रोली सिंदूर रख लेना है घी का दीपक जला लेना है और ध्यान रहे दोस्तों पूजा जो है वो चांद निकलने के एक घंटे पहले ही आपने शुरू कर देनी चाहिए ये नहीं कि चांद निकल गया उसके बाद में आप बस देने जाना है उसके पहले पूजा करने बैठे ऐसा नहीं करना चाहिए आपने कथा सुनने का जो काम है वो शाम के समय ही पूर्ण कर लेना है जो कि मैंने पूजा का समय बताया उसी टाइम में आपने करना है अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करवा चौथ की जब पूजा करते हैं तो एक विशेष मंत्र बोलना चाहिए वो मंत्र है सौम्य रूप महा भाग मंत्र राज द्विज उत्तम मम पूर्व कृतम पापम शमस्वमी इस मंत्र का अर्थ होता है कि मन को शीतलता पहुँचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्रों और औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो इस मंत्र का पूरी मन और श्रद्धा से तीन बार आपने जप करना है पूजा समापन में चंद्रदेव से पूजा पाठ के दौरान जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना आपने जरूर से कर लेनी है दोस्तों इस तरह से आपने करनी है करवा चौथ की पूजा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग इस मंत्र के बारे में नहीं जानते वो भी इस मंत्र के साथ पूजा करें ताकि उन्हें पूजा का अत्यधिक फल जो है वो प्राप्त हो सके दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले जय माता दी